हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.11 पर डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार पहले प्रॉब्लम को अच्छे से सुन लें। द स्लोप्स ऑफ द विंड स्क्रीन ऑफ टू मोटर कार्स आर अल्फा 1 इक्वल टू 30 डिग्री एंड अल्फा 2 इक्वल टू 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एट व्हाट रेशियो V1 बाय V2 ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द कार्स विल देयर ड्राइवर्स सी the hair stones bounced by the wind screens of their cars in the vertical direction. Assume that hair stones fall vertically and collide elastically with the wind screen. So problem क्या है, देखिए एक कार मान लीजिए, पहले दो कार की velocities में compare करना है जिनके wind screen अलग अलग angle पर झुकी हैं। तो हमें velocity का पूरा ratio calculate करना है जिसके लिए हेल स्टोन जो वर्टिकली गिर रहे हैं विंड स्क्रीन पे टकराने के बाद वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाते दिखाई दें कार के ड्राइवर को। एक्चुअली नहीं जाना है हेल स्टोन को वर्टिकल डायरेक्शन में, कार के ड्राइवर को ऐसा ऑब्जर्व होना चाहिए कि हेल स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। सो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक बार इसको समझे। मान लीजिए ये कार है और मैंने रफली वैसे कार को ड्रॉ किया और ये इसका विंड स्क्रीन मैंने बनाया। अब इसके विंड स्क्रीन पे हेल स्टोन वर्टिकली फॉल हो रहे हैं। मान लेते हैं हेल स्टोन की वेलोसिटी कैपिटल वी है। सो ये वी जे वेक्टर विथ माइनस साइन से शो किया जा सकता है। यहां पर मैं आई एक्सिस और जे आई को एक्स एक्सिस के अलावा और जे को वाई एक्सिस के अलावा कंसिडर कर रहा हूं। जो कार है उसकी वेलोसिटी हम स्मॉल वी कंसिडर कर लेते हैं, माना ये स्मॉल वी है और आई डायरेक्शन में, सो वी आई क्या। रिबाउंड के बाद हेल स्टोन कार के ड्राइवर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हुए नजर आए, ऐसी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमको कार की। सो चूंकि ये हेल स्टोन इस कार पर इलास्टिक कोलिजन लेके रिबाउंड हो रहा है तो डेफिनेटली जो इंपैक्ट पॉइंट है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है दोनों के कॉन्टेक्ट पे, अगर हेल स्टोन कार को इस पॉइंट पे कार की विंड स्क्रीन को इंपैक्ट दे रहा है तो इस विंड स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से कार के रिस्पेक्ट में हेल स्टोन टकराएगा उसी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ उस पॉइंट पर इंपैक्ट के बाद रिबाउंड होगा। यानी उस पॉइंट पर केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बदलेगी उस कंपोनेंट की जो विंड स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, बाकी जो पैरेलल कंपोनेंट होगा हेल स्टोन की वेलोसिटी का कार के रिस्पेक्ट में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंपैक्ट का। तो इसी थीम पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं एक बार देखें। ये हेल स्टोन इस पॉइंट पे टकराए, एंगल मान लेते हैं कि ये विंड स्क्रीन जिस एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के साथ वह अल्फा है, तो इस एंगल के अल्फा होने पर यह भी अल्फा होगा और फिर ये एंगल भी अल्फा होगा। हेल स्टोन की वेलोसिटी को अगर इन दोनों डायरेक्शंस में ब्रेक करके लिखा जाए, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम विंड स्क्रीन की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को भी यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सपोज एक्स कैप है और इस डायरेक्शन में वाई कैप, तो हेल स्टोन की वेलोसिटी को अगर वाई कैप और एक्स कैप में प्रेजेंट किया जाए तो हेल स्टोन की वेलोसिटी वी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा इनवर्ट कंपोनेंट वो वी कॉस अल्फा होगा और जो विंड स्क्रीन के पैरेलल होगा वो वी साइन अल्फा होगा। आप देख सकते हैं कैपिटल वी का ये कंपोनेंट वी कॉस अल्फा, ये वी साइन अल्फा। सो आप इसकी वेलोसिटी को अगर एक्स कैप और वाई कैप में लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन बिफोर इंपैक्ट हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ हेल स्टोन बिफोर इंपैक्ट इक्वल टू velocity of hail stone before impact equal to v cos alpha y cap with minus sign and v sin alpha x cap with plus sign. So अगर x cap और y cap जैसा define किया गया है उस तरह से vector हैं तो v h hail stone की velocity को हम ऐसे present कर सकते हैं। Similarly car की velocity को, वैसे तो car की velocity v i cap है लेकिन x कैप और y कैप के टर्म में अगर प्रेजेंट करें तो ये बन जाएगी v sin अल्फा y कैप के कंपोनेंट के रूप में होगा। अगर कार ऐसे चल रही तो इसका कंपोनेंट एक इधर को होगा एक इधर को,
सो हम लिख सकते हैं स्मॉल v साइन अल्फा y कैप विद प्लस साइन एंड स्मॉल v कॉस अल्फा x कैप अगेन विद प्लस साइन. सो ये हेलस्टोन और कार की एक्चुअल वेलोसिटी है. अब प्रॉब्लम ऑब्जर्वर के यानी ड्राइवर के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हेलस्टोन कार के ड्राइवर को किस वेलोसिटी से आके ऑब्जर्व होंगे. यहां पर ध्यान रहे कैपिटल V हम उस वेलोसिटी को मान रहे हैं जिससे हेलस्टोन ने कार पे इंपैक्ट लिया है, और स्मॉल V कार की वेलोसिटी है जो कि थ्रू आउट सेम ही रहेगी. हेलस्टोन के टकराने से कार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. सो वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार इज वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार. यहां पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया. सो हेलस्टोन की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी. तो अगर हम स्टर्म से स्टर्म को माइनस करें तो ये बन जाएगा माइनस वी कॉस अल्फा वाई कैप प्लस वी साइन अल्फा एक्स कैप माइनस वी साइन अल्फा वाई कैप प्लस वी कॉस अल्फा एक्स कैप. यहां पर स्मॉल v और कैपिटल v अलग अलग वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखेंगे. और ये फाइनली बन जाएगा अगर हम y और x के कंपोनेंट सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेके v cos अल्फा प्लस स्मॉल v sin अल्फा y कैप एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी प्लस. इस टर्म में एक माइनस है एक प्लस है क्योंकि हेलस्टोन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस और y माइनस था, और कार की वेलोसिटी के दोनों प्लस है. सो माइनस कॉमन लेके ये दोनों टर्म ऐसे बन गए. अब अगर सेकंड टर्म को लेता हूं तो ये प्लस में है और ये माइनस में. सो v साइन अल्फा माइनस v कॉस अल्फा एक्स कैप. दिस इज वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार. सो हेलस्टोन की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में इतनी आ जाएगी. अब देखिए जिस मूवमेंट पे ये हेलस्टोन कार पे इंपैक्ट लेगा तो कार के रिस्पेक्ट में वो जिस वेलोसिटी से इंपैक्ट लेगा कार के रिस्पेक्ट में वो जिस वेलोसिटी से इंपैक्ट लेगा अलोंग द नॉर्मल उतने ही मैग्नीट्यूड से रिबाउंड होगा, केवल डायरेक्शन में ही चेंज आएगा. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, ऐसा मेंशन है प्रॉब्लम में. सो इलास्टिक कोलिजन के लिए जिस वेलोसिटी कंपोनेंट से इस लाइन के अलोंग ये इंपैक्ट लेगा उसी वेलोसिटी से रिबाउंड होगा. यहां पर ध्यान दें ऐसा उस वेलोसिटी के साथ होगा जो हम कार के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, यानी कार के रिस्पेक्ट में हेलस्टोन के इंपैक्ट की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग और हेल इंपैक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिबाउंड के की वैल्यू आपस में सेम होगी, बस डायरेक्शन ही चेंज होगी. यानी अगर ये 10 यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ इंपैक्ट लेगा कार के रिस्पेक्ट में तो 10 यूनिट के साथ ही रिबाउंड होगा कार के रिस्पेक्ट में. यानी जो कंपोनेंट वाई वेक्टर के अलोंग होगा इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल साइन चेंज होगा. और रही बात इस कंपोनेंट की जो अलोंग द विंड स्क्रीन है तो इस पे इंपैक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस पे एक साइन चेंज होगा और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आफ्टर इंपैक्ट अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार, सो आफ्टर इंपैक्ट इसको मैं सिंबल चेंज करके एक नोटेशन में लगा देता हूं कि यह आफ्टर लिखा जा रहा है. आप इसे ये ना समझे हेलस्टोन की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में है बिफोर इंपैक्ट और अब यह है आफ्टर इंपैक्ट. तो इस आफ्टर के लिखने में बस इस टर्म में एक माइनस साइन का चेंज होगा, जैसा मैंने अभी समझाया कि कार के रिस्पेक्ट में जिस मैग्नीट्यूड ऑफ जिस वेलोसिटी के साथ जिस मैग्नीट्यूड के साथ यह इंपैक्ट रहेगा उसी मैग्नीट्यूड से रिबाउंड होगा. इसका मतलब केवल डायरेक्शन में ही चेंज आएगा, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है. सो जो इंपैक्ट के बाद की वेलोसिटी होगी हेलस्टोन की कार के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगी v cos अल्फा प्लस v sin अल्फा y कैप प्लस v sin अल्फा माइनस स्मॉल v cos अल्फा x कैप. तो ये हेलस्टोन की वेलोसिटी होगी कार के रिस्पेक्ट में इंपैक्ट के बाद. अब जैसा कि प्रॉब्लम में दिया है कि इंपैक्ट के बाद हेलस्टोन कार के ड्राइवर को वर्टिकल डायरेक्शन में रिबाउंड होते नजर आते हैं, मतलब ऑब्जर्व ऐसा रियली नहीं हो रहा है. हेलस्टोन कोलिजन के बाद वर्टिकली जा नहीं रहे हैं लेकिन कार के ऑब्जर्वर को वर्टिकली मूव करते दिख रहे हैं. तो अब इन दोनों एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का अगर मैं फिर से कंपोनेंट निकालूं आई और जे के अलोंग
तो इस एक्स वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट ये वाली वैल्यू का जो कंपोनेंट आई के अलोंग आएगा और जो इस वाई वाले का आई के अलोंग कंपोनेंट आएगा उनका नेट सम जीरो आना चाहिए। इसको ऐसे समझे कि अगर कार के ऑब्जर्वर को हेलस्टोन इंपैक्ट के बाद वर्टिकली जाते नजर आए हैं तो वेलोसिटी का 100% कंपोनेंट वर्टिकल ही होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जीरो हो जाना चाहिए। सो अगर हम इस वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का फिर से एक बार कंपोनेंट बनाए आई के अलोंग, सो इसका आई के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा वाई के अलोंग कंपोनेंट का साइन अल्फा मल्टीपल, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा वी कॉस अल्फा प्लस स्मॉल वी साइन अल्फा का साइन अल्फा कंपोनेंट और इस v साइन अल्फा माइनस स्मॉल v कॉस अल्फा का कॉस अल्फा कंपोनेंट और इसे जीरो के इक्वल होना चाहिए। एक बार ये स्टेप पे फिर समझाऊं कि हेलस्टोन की वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद कार के रिस्पेक्ट में इतनी है लेकिन प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि हेलस्टोन की को कार का ऑब्जर्वर इंपैक्ट के बाद वर्टिकली अपवर्ड जाता देखता है। तो अगर ऐसा है तो इस वेक्टर का केवल वही कंपोनेंट बचना चाहिए जो जे के अलोंग है, क्योंकि मेंशन है प्रॉब्लम में कि 100% वेलोसिटी वर्टिकल हो जाती है कार के रिस्पेक्ट में और 100% वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में वर्टिकल हो जाती है। इसका क्लियर मीनिंग यह है कि अब आई वेक्टर के अलोंग कोई भी कंपोनेंट रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। सो इस वाई वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वी कॉस अल्फा प्लस वी साइन अल्फा, उसका कंपोनेंट आई वेक्टर के अलोंग इसका साइन अल्फा मल्टीपल होगा और जो कंपोनेंट एक्स वेक्टर के अलोंग है उसका कॉस अल्फा मल्टीपल आई के अलोंग होगा और आई के अलोंग नेट वेलोसिटी को मैंने जीरो से कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि आई के अलोंग अब वेलोसिटी जो हेलस्टोन की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में है उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं बचना चाहिए। सो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यह बन जाएगा वी कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस वी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल वी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस वी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो और फिर वी साइन अल्फा कॉस अल्फा वी साइन अल्फा कॉस अल्फा टू वी साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड इज इक्वल टू स्मॉल वी कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं राइट उस तरफ लेता हूं इक्वल के और वी साइन स्क्वायर अल्फा को भी इस तरफ, तो यह बन जाएगा वी कॉमन लेके कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। Now, 2 sin alpha cos alpha, sin 2 alpha होता है trigonometry से और cos square alpha minus sin square alpha cos 2 alpha. So, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि कार की velocity कितनी होनी चाहिए जबकि हेलस्टोन की velocity capital V consider की गई है impact के समय। So, ये हमने कार की velocity और विंड स्क्रीन के एंगल के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर लिया। ये मैंने नोटेशन अल्फा लिया, मैं इस थीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर देता हूं। सो कार की वेलोसिटी और विंड स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल से स्लोप के बीच में हमने एक रिलेशन कंसीडर कर लिया। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम में मेंशन है कि ऐसी दो कारें चल रही हैं तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो v1/v2 हमें कैलकुलेट करना है जबकि α1 α2 यानी दो विंड स्क्रीन के जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो गिवन है, एक 30 डिग्री गिवन एक 15 डिग्री। तो अगर मैं 1/1 इस फॉर्मूले को दोनों कार पर यूज करूं तो पहली कार के लिए ये बन जाएगा v1 इक्वल टू v tan 2 अल्फा 1 और दूसरी कार के लिए बन जाएगा v2 इक्वल टू v tan 2 अल्फा 2 और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो जो वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा कार्स की v1/v2 tan 2 अल्फा 1 / tan 2 अल्फा 2 आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और इसमें मेंशन है कि अल्फा 1 30 डिग्री और अल्फा 2 15 डिग्री है, सो 30 और 15 पुट करने पर ये बन जाएगा 10 32 जो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 2 जो 30 डिग्री। सो वेलोसिटी का जो रेशियो आ गया वो 1060 / 1030 आ गया। अब 1060 की वैल्यू और 1030 की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो फाइनली ये आ गया v1/v2 इज इक्वल टू 1060 दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 यानी फाइनली v1/v2 की वैल्यू 3 है। सो अगर दोनों कारें v1/v2 = 3 इस रेशियो को मेंटेन करती हुई वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी तो जब ये हेलस्टोन टकरा के रिबाउंड होंगे तो उनके ऑब्जर्वर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब कार के अंदर बैठा ऑब्जर्वर जो कि ड्राइवर है वो ये एक्सपीरियंस करेगा कि हेलस्टोन कोलिजन के बाद वर्टिकली अपवर्ड रिबाउंड। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से
समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।